Hey guys, गेम में आफ्टर अपडेट जो आया, इतने सारे प्लेयर मिस्टेक कर रहे हैं आफ्टर अपडेट। तो आज यही वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आफ्टर अपडेट में क्या मिस्टेक आपको नहीं करना है। तो मेरे पास टोटल 30 मिस्टेक है जो बीआर रैंक का ब्रॉन्ज प्लेयर से लेके ग्रैंड मास्टर प्लेयर भी यूज कर सकते इस मिस्टेक को समझने के लिए। सबसे पहला मिस्टेक नंबर 30, देखो आप लोग ना हमेशा केयरफुल है ना, जब भी आप लोग पीक आओगे ना, पीक में कभी भी गाइस आप लोग किसी भी जगह पे लैंड करोगे, लाइक समझ लो गाइस आप इसी जगह पे लैंड कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जब लैंड करोगे कोई भी एक जगह पे एंगल समझ लो, तो आप लोग ना हमेशा एक चीज याद रखना कि आपको ना किसी भी साइड से ये 360 एंगल जो डिग्री बनता है ना गाइस, किसी भी एंगल से आपको मारता है, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ऊपर नीचे, कहीं से भी। इसलिए पीक में थोड़ा केयरफुल रहना। मिस्टेक नंबर 29, सोलो डेयर रिवाइवल। मेरा दोस्त है एक, यहां पे देखो गाइस ये क्या कर रहा है, इसके पास टोकन है 1200 टोकन है, लेकिन ये क्या करता है सोलो डेयर रिवाइवल लेता है। ये अकेला प्लेयर है इसलिए सोलो डेयर रिवाइवल ले सकता है, लेकिन मेरे आपको मानो यहां पे देखो ये बहुत बड़ा गलती कर रहा है। यहां पे आराम से यहां पे दो बंदा को रिवाइव कर सकता है, ठीक है, यहां पे 600 करके, लेकिन ये बंदा रिवाइव नहीं किया, ये थोड़ा कंजूस बन गया था एंड ये सोलो डेयर रिवाइवल है, जिससे सबको लोकेशन जाता है गाइस। वही बात है गाइस, ये गलती नहीं करना कि टोकन है तो रिवाइव कर दो। नंबर 28, ये है इंप्रॉपर ट्रॉगन। दोस्तों गेम में अगर ट्रॉगन यूज करना नहीं आता ना गाइस मत चलाओ गाइस। देखो ट्रॉगन यूज करना बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि यहां पे आप लोग ट्रॉगन से ना हमेशा 3 बुलेट फायर करना। अगर आप लोग ज्यादा बुलेट फायर करोगे तो ट्रॉगन कुछ काम नहीं आने वाला, हमेशा एक राउंड 1 सेकंड में आप लोगों 3 बुलेट ही फायर करना, उससे ज्यादा आप लोग फायर मत करना। नंबर 27, व्हाई नॉट रिवाइविंग। दोस्तों गेम में अगर आप लोग रैंडम खेल रहे हो तो भाई एक चीज नोटिस करना, या फिर टीममेट के साथ खेलना, तो गाइस वो लोग ना जल्दी रिवाइव करने आपको आएगा नहीं, पता नहीं गाइस वो लोग लूट ही करते रहता है, इससे ऐसा सिचुएशन हो। अब देखो गाइस ये सिचुएशन ना मेरे साथ ही हुआ था, मुझे भी गाइस ये मिस्टेक बनाने का गाइस मन नहीं था, लेकिन ये चीज जो था ना गाइस ये मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए इस मिस्टेक में कवर करना था। लाइक देखो यहां पे ये लोग देखो गाइस रिवाइव करने आएगा नहीं, प्लस यहां पे आप लोग को ना वेंडिंग मशीन से रिवाइव भी नहीं करेगा। अब देखो इनके पास टोकन था तो इसने यहां पे वेस्ट एंड हेलमेट खरीद लिया, ये गाइस ये लड़की, ठीक है। तो यहां पे वही बात है गाइस, ये जो टीममेट वगैरह है रैंडम ही टीममेट समझ लो, तो वो लोग जल्दी रिवाइव नहीं करता है, इसलिए गाइस आप लोग प्लीज रिवाइव करो। 26, ये है रिवाइवल पॉइंट मिस्टेक। दोस्तों रिवाइवल पॉइंट मिस्टेक मतलब समझो, देखो अगर आप लोग किसी प्लेयर को रिवाइव करना चाहते हो, ठीक है, लाइक मुझे मान के चलो मेरे को रिवाइव करता है ये प्लेयर लोग, तो एक प्लेयर ना कवर दो, हमेशा एक प्लेयर छुप के कवर दो और एक प्लेयर को रिवाइव करने दो। लाइक देखो ये प्लेयर भी इतना चालू नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि जहां पे जोन आ रहा है, लेकिन तब भी ये देखो घूम घूम के रिवाइव कर रहा है, एक ही जगह पे खड़ा रहना था, अगर वो बंदा आ भी रहा है तो उसको मारना था, क्योंकि उनको पता चल चुका है रिवाइव आ रहा है, तो यहां पे जितना हो सके पहले उनको हमला कर दो। आप देखो दिमित्री ऑन कर दिया एंड जो मेरा टीममेट था ये इतना लेट से आता है इसको मारने के लिए, देखो सेंटिनो में कैसे यूज कर रहा है। वही बात है गाइस, यहां पे रिवाइवल पॉइंट में भी रिवाइव करना इन लोगों को नहीं आता, तो सीखो जितना हो सके। 25, डोंट कम फैक्ट्री आफ्टर अपडेट। दोस्तों गेम में आप लोग ना फैक्ट्री मत जाओ आफ्टर अपडेट, ये मेरा आपसे रिकमेंड है, क्योंकि देखो फैक्ट्री जो है ना यहां पे अपडेट किया, अब अपडेट करने के बाद यहां पे बहुत सारे प्लेयर आ रहे हैं, क्योंकि पहले नहीं आता था लेकिन अब आ रहा है। यहां पे लगभग अगर आप लोग 16 का मान चलो, अगर 16 का मान के चलो तो यहां पे 16 में ही आपको कम से कम 10-15 एनिमी फैक्ट्री में देखने मिलेगा। यस माय फ्रेंड, ऐसा होता है गाइस, ठीक है, मैं अभी तो स्क्वाड खेल के दिखा रहा हूं, लेकिन स्क्वाड में भी इतने सारे प्लेयर आते हैं, यहां पे लगभग 3 स्क्वाड तो आराम से आ जाएगा, 3 स्क्वाड 4 स्क्वाड आराम से आता है, ठीक है, ये फैक्ट्री में। तो मेरा मानो अगर गन नहीं मिलेगा ना तो आप बुरा फंसोगे, ठीक है, जैसे मैं यहां पे फंस गया था, मेरे को गन ही नहीं मिल रहा था लेकिन मैं यहां पे फैक्ट्री में टपक गया था, तो फैक्ट्री में आना छोड़ दो और दूसरे लोकेशन पकड़ो। 24, ये है बैड गेम प्ले। दोस्तों अगर आपका गेम प्ले सही नहीं है तो भाई इंप्रूव करो, क्योंकि होता क्या है बीआर रैंक में ना गेम प्ले अच्छा मैटर करता है, ठीक है, सीएस रैंक का अलग फंडा है, ठीक है, यहां पे फैक्टर अलग है सीएस रैंक का, लेकिन देखो बीआर रैंक कुछ अलग ही चलता है, यहां पे आपका लैग बहुत होगा, तो इसलिए आपका गेम प्ले अगर अच्छा नहीं होगा तो आप बीआर रैंक खेल नहीं सकते। यहां पे देखो आपका सिचुएशन देखो उल्टा आपके ऊपर पड़ता है, यहां पे नेड है, यहां पे कितना चीज है, यहां पे देखो फायर, यहां पे देखो फायर निकलता है, वो बहुत सारे सामान है, तो इसलिए आप लोग यहां पे थोड़ा सतर्क रहना अगर बीआर रैंक खेल रहे हो तो आपका गेम प्ले को इंप्रूव करो। मिस्टेक नंबर 23, बीवेयर ऑफ थर्ड पार्टी। दोस्तों गेम में आप लोग थर्ड पार्टी बहुत हो सकते हो, अगर आप लोग सोलो डुओ स्क्वाड ही क्यों ना खेल रहे हो, अगर किसी प्लेयर को मारने जा रहे हो ओपन सिचुएशन में, लाइक देखो आप यहां पे घर के अंदर थे लेकिन वापस से बाहर जाते, अभी देखो मैं बाहर चला गया और मुझे कहीं से भी थर्ड पार्टी हुआ, लेकिन उसके बाद इस प्लेयर ने किल चुरा लिया जिससे मैं फाइट कर रहा था, वही बात है गाइस, यहां पे आप लोग थर्ड पार्टी भी हो सकते हो। मिस्टेक नंबर 22, डोंट लूट येलो बॉक्स इन पीक। यस माय फ्रेंड, नेवर लूट दिस येलो बॉक्स डायरेक्टली। देखिए अगर आप लोग डायरेक्ट आओगे इस वाले येलो बॉक्स में तो आप लोग खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो प्लेयर वगैरह होता है ना गाइस वो लोग सेंटिनो मार के ऊपर चला जाता है एंड उसके बाद गन लेके आएगा एंड फिर आपको खत्म कर देगा, तो यहां पे ऐसा सिचुएशन तो नहीं बनाना गाइस, तो मैंने तो यहां पे बच गया था, लेकिन आपको ऐसा गलती नहीं करना, डायरेक्ट मत आना येलो बॉक्स। मिस्टेक नंबर 21, ये है अपना क्रोनो मिस्टेक। गेम में अगर क्रोनो यूज करना नहीं आता तो भाई यूज मत करो, क्योंकि जो क्रोनो कैरेक्टर है यहां पे सबसे ज्यादा मतलब यहां पे हार्डेस्ट कैरेक्टर है, क्योंकि क्रोनो एक ही जगह
पे लगा रहता है, मुझे वो भी 8 सेकंड के लिए लगा रहता है, 8-10 सेकंड के लिए, तो उसमें आप लोग बंदा मार पाओगे कि नहीं वही बात रहेगा। क्रोनो थोड़ा यूज करना आसान नहीं है, इसलिए अगर आप लोग यहाँ पे डिफेंसिव खेलना चाहते तो ही क्रोनो यूज करना, वरना मेरा रिकमेंड है आप लोग बीआर रैंक में क्रोनो यूज मत करना, बहुत ज्यादा हार्डेस्ट कैरेक्टर है फ्री फायर। मैंने देखो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए आपने दिखाया था मिस्टेक नंबर 20 व्हाई टू गो अप इन एंड जोन। दोस्तों अगर आप लोग एंड जोन खेल रहे हो एंड लास्ट है जोन में, आप ऊपर क्यों चला जाते हो गाइस? देखो लाइक अभी देखो यहाँ पे मार्स इलेक्ट्रिक का जगह है, एंड अगर आप ऐसे जगह पे चले जाओगे जहां पे ऊपर एंड बहुत ज्यादा हाई ग्राउंड है, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई ग्राउंड है, अगर वहां पे जोन नहीं होगा ना तो आप यहाँ पे खत्म हो जाओ। देखो गाइस वहां पे जोन नहीं था, उसका बहुत बड़ा गलती हो चुका था, तो कि वो ऊपर चला गया था जबकि यहाँ पे उसको नीचे आके खेलना था, हम लोग दो ही बंदे थे लेकिन वो बंदा ऊपर चला गया था, तो ऐसे गलती आपको नहीं करना। मिस्टेक नंबर 19 नो ईयरफोन। दोस्तों गेम में आप लोग ईयरफोन क्यों यूज नहीं करते हो बीआर रैंक खेलते वक्त? दोस्तों देखो अगर बीआर रैंक खेल रहे हो तो ईयरफोन यूज करो, क्योंकि जो सिचुएशन बनता है ना आपको पीछे से मार सकता है। अगर वैसा सिचुएशन आप लोग खेलना चाहते हो लाइक सीएस रैंक खेलना चाहते हो तो थोड़ा बहुत ईयरफोन का नहीं भी चलता है, लेकिन बीआर रैंक खेलना है तो भाई ईयरफोन यूज करो, क्योंकि कब कब पता कहां से एनिमी आ जाएगा आपको टपका के चला जाएगा, तो इसलिए ईयरफोन इज नेसेसरी। 18 डोंट गो डायरेक्ट ऑन मिल। यस माय फ्रेंड, आप लोगों ना मिल में डायरेक्ट नहीं जाना, जब आपका प्लेन जो होना गाइस यहां पे एरोप्लेन जो होगा वो अगर मिल से यहां पे लोकेशन शुरुआत होता है डायरेक्ट आप लोगों को मिल में नहीं जाना, ठीक है। जैसे यहां पे आप लोग कैप्टन देख रहे हो गाइस, यहां पे आप लोगों का यहां पे आपका टीममेट चला जाना, उनको चाहने दो। देखो अब मैं आपको दिखा दूं, मेरा टीममेट यहां पे चला गया एंड क्या होता है मेरे टीममेट के साथ अगर वो लोग यहां पे चले जाते हैं। देखो मिल में ना सबसे ज्यादा प्लेयर आता है जब शुरुआती अगर मिल से होता है आपका प्लेन, अगर शुरुआत करते हैं मिल से तो बहुत सारे प्लेयर यहां पे खत्म होगा। मेरा टीममेट वगैरह देखो यहां पे दो प्लेयर खत्म ही हो गया। तो ऐसे करके ही आपको सिचुएशन बनाना है कि आपको डायरेक्ट मिल नहीं जाना है। 17 स्टार्टिंग बीआर रैंक मिस्टेक। दोस्तों अगर आप लोग लैंडिंग कर रहे हो एंड आपको गन नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा यहां पे स्टार्टिंग टाइम में मिस्टेक होता है, वो भी अगर सोलो डो स्क्वाड खेल रहे हो, कोई भी मोड खेल रहे हो, तो आपको तो बहुत बड़ा मिस्टेक फेस करना पड़ता है। लाइक यहीं पे देख लो गाइस गन नहीं है लेकिन यहां पे आपको मेडकिट मिल जाएगा, यहां पे वही बात है गाइस। आप लोग आओगे ना तो प्लीज यार थोड़ा ऐसे यहां पे थोड़ा सेपरेट होकर उतरना जिससे गन आपको मिल जाए, ठीक है। अगर आप एक ही जगह पे उतरोगे इतने सारे प्लेयर तो यहां पे आपको गन नहीं मिलेगा एंड आप यहां पे फोर्सफुली यहां पे खत्म हो जाओगे, तो यहां पे ये मिस्टेक नंबर 16 बैड प्लेयर रिवाइव। दोस्तों यार देखो मैं इतना मेहनत करके यहां पे उसको रिवाइव करने गया एंड क्या होता गाइस वो आप लोग देखोगे, ठीक है। मुझे यहां पे खत्म कर दिया था लेकिन उसको मैं रिवाइव कर दो, मैंने देखो मैं अकेला था लेकिन एक प्लेयर को रिवाइव कर देता हूं। अब देखो अकेला होने के बाद भी यहां पे उसको रिवाइव कर देता हूं लेकिन ये प्लेयर क्या करता है बीच में ही क्विट कर देता है, जिससे देखो इसका नेटवर्क कनेक्शन भी ऑफ हो जाता है एंड ये स्लोली स्लोली ऊपर से नीचे आता है, जिस वजह से आप लोग को पता चल चुका है गाइस यहां पे ये प्लेयर फोर्सफुली क्विट करता है। और ऐसा नहीं करना, देखो अगर आपका इंटरनेट चले जाता है तो अलग बात है, लेकिन देखो आपको रिवाइव किया है तो आप अच्छी तरह से खेलो ना यार, ऐसे आप लोग बीच गेम में कैसे जा सकते हो। नंबर 15 आफ्टर रिवाइव स्टे विथ टीममेट। दोस्तों अगर आपका टीममेट आपको रिवाइव करेगा ना तो भाई कोशिश करना अगर एंड जोन होगा ना तो अपने टीममेट के साथ ही रहना, अगर आप अलग अलग जाओगे एंड जोन में आपको पता कितने सारे प्लेयर रहते हैं, कौन से घर पे कहां बैठा होगा वो आपको पता नहीं चलेगा। एंड जैसे आप लोग स्क्रीन पे देखना गाइस मेरा टीममेट वगैरह ही है लेकिन यहां पे मैं स्पेक्टेट कर रहा, तो मैं यहीं पे एक चीज नोटिस किया कि मेरे जो टीममेट्स वगैरह है ये मेरे फ्रेंड्स वगैरह, तो इनका यहां पे क्या हुआ तो ये लोग सेपरेट करके उतरा जबकि ये प्लेयर इसको रिवाइव किया था तो ये अच्छा खेल रहा था। इसलिए मैं सोचता हूं गाइस यहां पे कभी कभार सिचुएशन जो होता है ना गाइस मेरा टीममेट जो मेरे फ्रेंड्स होता है वो लोग भी गलती करते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करना। मिस्टेक नंबर 14 नो कवर। दोस्तों गेम में ना कभी कभार आप लोग कवर लेके नहीं खेलते हो बीआर रैंक खेलते हो। दोस्तों देखो सीएस रैंक में अगर आप लोग कवर लेके नहीं भी खेलोगे तब भी आप लोग चल जाएगा, उसमें ग्लूवल मिलता है, लेकिन देखो अगर आप लोग कवर लेके खेलोगे ना ऐसे जगह पे अगर आप लोग कवर नहीं लेके खेल रहे हो लाइक देखो इतना ओपन ग्राउंड है, इतना ज्यादा ओपन है एंड सीएस में तो आपको यहां पे बहुत सारे जगह मिलेगा जहां पे ओपन नहीं रहता है, वहां पे थोड़ा कवर वगैरह रहता है, लेकिन देखो ऐसे जगह पे अगर आप लोग ओपन मारोगे तो आप लोग कहीं से भी मर सकते हो, आराम से खत्म हो जाओगे, तो ऐसा गलती आपको नहीं करना। मिस्टेक नंबर 13 ये है लूटिंग मिस्टेक। दोस्तों देखो गेम में अगर आप लोग हमेशा लूटी करते रहोगे, ऐसे लूटी कर रहे हो यार मतलब आप लोग फोकस नहीं कर रहे हो एनिमी कहां पे एंड डायरेक्ट ऐसे गेम में लूट करो, मैं आपको सिचुएशन समझा रहा हूं, ठीक है। ये मेरे साथ हुआ था इसलिए आपको समझाना जरूरी है। देखो यहां पे लूटी कर रहा था, यहां पे मुझे पता नहीं चला बंदा कब आया, मुझे खत्म करके चला गया, तो भाई ऐसे भी सिचुएशन बनता है, लूटिंग मिस्टेक इसको कहते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करना। मिस्टेक नंबर 12 नेवर फायर ऑन वुकोंग। दोस्तों गेम में कभी भी बीआर रैंक खेलते हो या फिर सीएससी क्यों ना खेलते हो आप लोग कभी वुकोंग पे फायर मत करना, सामने अगर वुकोंग है आप खुद भी अगर वुकोंग हो तो यहां पे तभी कभी फायर मत करना वुकोंग वाले प्लेयर पे, क्यों होता क्या है गाइस अगर आप लोग फायर करोगे तो उसको एडवांटेज मिलता है आपको मारने का, जो आप फायर करोगे आपका सारा गोली रिकॉइल होगा पहले, ये बात तो ये है, उसके बाद जो वो मारेगा आपको आराम से हिट कर देगा, ठीक है, उसको एक्यूरेसी मिल जाएगा, तो यही आपको मिस्टेक नंबर 11 राइज ऑफ सेंटिनो इन पीक। दोस्तों पीक में ना सेंटिनो प्लेयर बहुत घूम रहे, ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। देखो अभी देखो ये
प्लेयर कैसे सेंटिनो करके भाग गया ना गाइस, यही प्लेयर तो मैं आपको बात कर रहा हूं यार। इतना गेम में सेंटिनो भर गया ना गाइस, आप लोग चाहे बीआर खेल रहे हो सीएस खेल रहे हो, देखो ये प्लेयर भी भाग गया सेंटिनो मार के। देखो इसको थोड़ा डैमेज दिया, वापस से ऊपर भाग जाता है। अब देखो कोई प्लेयर नीचे आता है सेंटिनो मार के एंड ये मुझे कैसे मारता है आप लोग देखो गाइस, मैं आपको इतना ही समझाता हूं। देखो इसका ही टीममेट था जो सेंटिनो मार के आया था ना गाइस, ये देखो ऊपर ये लोग घूम रहा है, वही बात है गाइस, सेंटिनो से थोड़ा बच के रहना नहीं तो आपका मिस्टेक हो सकता है गेम में। डोंट ड्राइव विदाउट मिसा, यस माय फ्रेंड, विदाउट मिसा आप लोग कभी ड्राइव मत करना। ये बंदा क्या कर रहा था, यहां पे व्हीकल ड्राइव कर रहा था विदाउट मिसा, वो भी कौन सा व्हीकल, बाइक ड्राइव कर रहा था। अगर आपको ड्राइव करना ही है तो आप मोशो ट्रक ड्राइव करो विदाउट मिसा, लेकिन आप लोग बाइक ड्राइव मत करना, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है आप सभी का। नो टाइमली रिवाइव, दोस्तों गेम में ना आपका टीममेट कभी आपको टाइमली रिवाइव नहीं करता। आप लोग स्क्रीन पे देख ही लो, मेरा गेम प्ले इतना अच्छा था गाइस, यहां पे मैं एक बंदा नॉक करता हूं, उसके बाद यहां पे मैं चले जाता कपबोर्ड का पीछे। ये क्या करता है ये प्लेयर, मैं एक और नॉक निकाल लेता हूं, लेकिन अचानक से इसके पास ना कुछ एबिलिटी होता है जिससे ये मुझे मार तो देती है। यहां पे सोनिया इसके पास था, लेकिन इसका टीममेट इसको बचाने के लिए दौड़ते दौड़ते आ जाता है, लेकिन मेरा टीममेट इतना देर से आता है कि यहां पे होता क्या है, वो बंदा उसको भी खत्म कर देती है। दोस्तों मैं इतना ही बोलना चाहता हूं गाइस, अगर आप लोग खेल रहे तो गाइस ये मिस्टेक मत करना और अपने टीममेट को जल्दी रिवाइव करने आओ। मिस्टेक नंबर 7, नॉट यूजिंग फैल्को। दोस्तों गेम में आप लोग ना फैल्को यूज नहीं करते। अब देखो मेरा बात है, इतना सारा कैरेक्टर यार फैल्को आजकल कौन यूज करता है, सही बात है, लेकिन देखो ऐसा भी कभी कभार सिचुएशन होता है कि जब हम लोग रिवाइव होते हैं ना तो यहां पे जैसे रिवाइव होकर आते हैं तो यहां पे फैल्को से हम लोग को डैमेज मिल जाता है आधा से ज्यादा, ठीक है। यहां पे 90% मुझे डैमेज मिला था फैल्को से ऊपर, मतलब ऊपर ही डैमेज मिल चुका था, तो अगर फैल्को होता तो वो बंदा मुझे मार ही नहीं पाता। तो वही बात है गाइस, फैल्को यूज करना आता है तो यूज करो, वरना कोई बात नहीं। मिस्टेक नंबर 6, लैंडिंग ऑन अर्सेनल। दोस्तों आप लोग को पता है गाइस यहां पे अर्सेनल को अपडेट किया है। फ्री फायर में आप लोग बहुत सारे प्लेयर क्या करते हो, डायरेक्ट ऊपर अर्सेनल पे उतरते हो, लेकिन आपको पता नहीं रहता कि एनिमी कितने हैं अर्सेनल में, आपने देखा नहीं डायरेक्ट उतर गया, लेकिन आप लोग को पता चलता है कि बाद में भाई इतने सारे पीछे एनिमी पड़ा है वो भी अर्सेनल में, एंड ऊपर से आपको किल तो मिल जाएगा। देखो अभी मेरे को यहां पे किल मिल गया, मेरा अच्छा लक था कि मुझे मिल चुका है, लेकिन देखो अगर आप ऊपर रहोगे खेलेगा ठीक है, ऐसे बैठे हो तो आपको भी बंदा आराम से नेट कुक करके मार सकते, नहीं तो आपको डायरेक्ट अगर हीट वगैरह कर रहे हो जैसे आप लोग अभी देखो वहां से भी आपको खत्म कर सकते, तो अर्सेनल को ऊपर मत उतरना, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 5, बैड स्किल कॉम्बिनेशन। दोस्तों गेम में 59 कैरेक्टर है अभी के टाइम पे, तो अगर आप अच्छा कैरेक्टर यूज नहीं करोगे तो आपको यहां पे कॉम्बिनेशन बनाना है, 4 कैरेक्टर का बस कॉम्बिनेशन बनाना है, उसमें उल्टा पुल्टा कॉम्बिनेशन यूज मत करना प्लीज यार, ये गलती मत करो। मिस्टेक नंबर 4, चूजिंग रॉन्ग पैड। दोस्तों गेम में आप लोग कभी पैड अगर चूज कर रहे हो तो रॉन्ग पैड चूज मत करना, लाइक आप लोग कोई रोबो पैड ले लेते हो, कभी वो ड्रैकी ले लेते हो, कभी कभी वो पैड ले लेते हो। देखो गाइस अकॉर्डिंग टू योर स्किल कॉम्बिनेशन आपको पैड को चूज करना है। मिस्टेक नंबर 3, रॉन्ग लॉर्ड आउट। दोस्तों गेम में आप लोग ना सही लॉर्ड आउट भी चूज करो, जैसे पैड वगैरह चूज करते हो तो लॉर्ड आउट भी अकॉर्डिंग टू स्किल कॉम्बिनेशन है चूज करना। मिस्टेक नंबर 2, डोंट प्ले एट नाइट आफ्टर 11। यस माय फ्रेंड, अगर देखो इस टाइम के बाद अगर खेलोगे तो हो सकता है एनिमी आपको हार्ड देखने को मिलेगा, तो अगर आप लोग खेलना चाहते तो खेलो वरना कोई बात नहीं। मिस्टेक नंबर 1, जीप वे मिस्टेक। दोस्तों नेक्स्ट टाइम आप अगर खेलते भी हो ना तो जीप वे में ये मिस्टेक मत करना कि डायरेक्ट उतरा एंड डायरेक्ट आप लोग ऐसे भाग रहे हो कि आप लोग को एनिमी पीछे चल चुका है, लेकिन देखो अगर इस जगह पे उतरोगे तो यहां पे जीपलेन वगैरह मत करना, ठीक है, जीपलेन वगैरह पकड़ना ही मत क्यों, आपको आराम से बंदा खत्म कर सकता है, तो ये गलती जीप वे में मत करना। कमेंट बॉक्स में सब लोग लिख दो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखते हैं गाइस किसने किसने वीडियो पूरा देखा।